हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2019 की आफ्टर ये एक रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसी एक सही पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ किस तरह से चेंज हो सकती है, आपका जो पूरा बिलीव सिस्टम जो गलत था ये सही कोई बना सकता है। तो यही इस प्रीमाइस को लेकर आज की मूवी आती है। आफ्टर ये मूवी एक नॉवेल पर बेस्ड है और इसका सेकंड पार्ट भी अब आ चुका है और जब ये अवेलेबल होगा तब हम इसे भी करेंगे। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की जो स्टोरी है ये हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है टेसा, ये हमें सुना रही है। टेसा हमसे कहती है कि जब मैं हार्डिन से मिली तब से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा का हाई स्कूल खत्म हो चुका है, कॉलेज के लिए वो अलग शहर जाना चाहती है। उसकी मदर उसके लिए बहुत ही वरीड है पर फिर भी अपनी मदर को उसने मना ही लिया है। टेसा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। टेसा को उसके नए कॉलेज छोड़ने के लिए उसकी मदर और उसका बॉयफ्रेंड ये दोनों फिर जाते हैं। टेसा कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाली होती है। जब वहाँ उसकी मदर पहुँचती है तो टेसा की रूममेट्स वहाँ होती है। टेसा की रूममेट जब उसकी मदर देखती है तो उसे बहुत ही गलत लगती है। ये रूममेट भी टेसा से बात करती है और कहती है कि हम दोनों बहुत ही मजे करेंगे। विदाउट आईडी उसे क्लब में भी वो लेकर जा सकती है। मदर को ये बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस लगता है, वो डायरेक्टली टेसा को बाहर बुलाती है। मदर कहती है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, हम रूम चेंज करवा लेंगे। टेसा कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, तुम मुझ पर बिलीव करो, मैं कभी भी कुछ भी गलत चीजें नहीं करने वाली। मदर टेसा को कहती है कि सिर्फ तुम्हारा स्टडी इम्पोर्टेंट है, इसी पर तुम्हें फोकस करना है। टेसा भी हाँ कहती है और उसके बाद उसकी मदर चली जाती है। टेसा का बॉयफ्रेंड भी डर रहा होता है क्योंकि अब वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे तो उनकी रिलेशनशिप का क्या होगा। टेसा फिर से अपने रूम में आती है। उसकी रूममेट उसे पूछती है क्या कहीं बाहर चलना है, पर टेसा अब मना कर देती है। टेसा ने अपने साथ बहुत सारे बुक्स वगैरह लाए हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि इतने बुक्स कौन लाता है। टेसा बोलती है कि मैं बुकिश हूँ, मैं हमेशा बुक पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे फिर टेसा अपने क्लास में जाती है। वहाँ उसका एक फ्रेंड बनता है जिसका नाम होता है लैंडन। टेसा इकोनॉमिक्स के क्लास में गई होती है पर एक्चुअल में उसे इंग्लिश पढ़ना होता है, पर इंग्लिश पढ़ने से उसे अच्छे से जॉब नहीं मिल सकेगी, इसी वजह से वो इकोनॉमिक्स कर अच्छी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना चाहती है। रात में हम देखते हैं कि टेसा अपने रूम में होती है, नहाकर बाहर आती है तो वहाँ हार्डिन बैठा हुआ होता है। उसे देखकर डर जाती है, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसे जाने के लिए कहती है। पर हार्डिन जो है उसके रूममेट का फ्रेंड है। टेसा को पहले लगता है कि उसके रूममेट का ये बॉयफ्रेंड होगा, पर उसकी रूममेट कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। आज हार्डिन और टेसा के रूममेट ये दोनों पार्टी में जाने वाले हैं। टेसा पार्टी में जाने के लिए मना करती है पर हार्डिन भी कहता है कि तुम्हें देखकर मैं पार्टी में तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकता। टेसा एक बुक पढ़ रही होती है, हार्लिंग इसका स्पॉयलर देखकर वहां से चला जाता है। टेसा बहुत सारा स्टडी करती है, हमेशा उसके फ्रेंड्स को पार्टी में जाते हुए मजे करते हुए दिखती है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके पास आती है और कहती है कि आज पार्टी है, मेरे साथ तुम चलो। टेसा भी इस बार रेजिस्ट नहीं कर पाती और पार्टी में चलने के लिए रेडी हो जाती है। इस पार्टी में हमें हार्डिन भी आया हुआ है दिखता है। टेसा अपने फ्रेंड के साथ हार्डिन के पास बैठती है। सब ड्रिंक कर रहे होते हैं पर टेसा ड्रिंक नहीं करती, फिर भी उसके फ्रेंड उसे एक छोटा सा पेक बनाकर दे देते हैं। इसके बाद ही गेम खेलने लग जाते हैं। ये जो गेम है ये ट्रूथ एंड डेयर का गेम है। टेसा का चांस आता है तो टेसा ट्रूथ चूज करती है। एक लड़की उसे पूछती है कि ऐसा एक वियर्ड प्लेस बताओ जहाँ पर तुम इंटीमेट हो चुकी होगी। टेसा अनकंफर्टेबल हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि टेसा अब तक किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हुई है। इसके बाद वो टेसा को डेयर देते हैं। टेसा को कहते हैं कि वो हार्डिन को उसे किस करना पड़ेगा। हार्डिन उसके पास जाता है पर टेसा कहती है कि ये स्टूपिड गेम मैं नहीं खेलने वाली। ये कहकर वो बाहर निकल जाती है। उसे फिर उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। आज उसके बॉयफ्रेंड से वो बात करने वाली थी पर वो इस पार्टी में आई है, इसी वजह से वो बात नहीं कर पाए। उसके बॉयफ्रेंड को पार्टी का आवाज आता है, वो समझ जाता है। उसे पूछता है क्या तुमने ड्रिंक की है। टेसा भी सब कुछ सच सच बता देती है। उसका बॉयफ्रेंड इस पर नाराज हो जाता है और इसके बाद इन दोनों का झगड़ा हो जाता है। टेसा फिर इस पार्टी में शांति ढूंढने के लिए ऊपर के कमरे में आ जाती है। इस कमरे में बहुत सारी बुक्स है। उसकी जिस तरह से बुक्स में चॉइस है तो जो भी इस रूम में रह रहा है उसके भी सेम ही चॉइस है। यहाँ पर फिर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन कहता है कि मेरे रूम में तुम क्या कर रही हो। जो बुक्स टेसा के हाथ में होती है उसका एक पैसेज वो उसे सुनाता है। टेसा उसे पूछती है कि क्या तुम ड्रंक हो। हार्डिन कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ड्रिंक नहीं करता। हार्डिन उसके बहुत ही करीब आ जाता है। टेसा पूछती है कि क्या तुम अभी भी गेम ही खेल रहे हो। हार्डिन कहता है कि अभी भी तुमने डेयर कंप्लीट नहीं की है। एक दूसरे के पास आकर एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, तभी टेसा कहती कि ये गलत है और वहां से चली जाती है। टेसा एक्चुअल में हार्डिन से बहुत ही अट्रैक्टेड होती है। नेक्स्ट दिन लिटरेचर के क्लास में हार्डिन और टेसा ये दोनों होते हैं। इस क्लास में एक बुक पर डिस्कशन होती है जिसका नाम होता है प्राइड एंड प्रेजुडाइस। ये भी एक रोमांटिक नॉवेल था। इस बुक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट होती है तो हार्डिन से पूछा जाता है। हार्डिन की बातों से हमें यह पता चलता है कि वो प्यार पर बिलीव नहीं करता, पर टेसा की बिलीव्स जरा अलग है। इन दोनों की व्यू पॉइंट्स में यहाँ जरा कंफ्लिक्ट हो जाती है।
टेसा हार्डिन से बहुत ही चिढ़ जाती है। तो अपने फ्रेंड लैंडन के साथ यह बाहर निकलती है। यह उसे कहती है कि कैसा लड़का है, ऐसे कौन बात करता है। लैंडन और हार्डिन एक्चुअल में रिलेटेड है। हार्डिन के फादर और लैंडन की मदर, इन दोनों में अब शादी होने वाली है। इसके बाद ये स्टेप ब्रदर्स बन सकते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हार्डिन चांसलर का बेटा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टेसा अपने फ्रेंड के साथ बाहर आई हुई होती है। उसकी फ्रेंड एक टैटू बनवा रही है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम भी टैटू बनवा सकती हो, पर टेसा कहती है कि अगर मेरी मदर को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। उसकी मदर हमेशा से उसकी लाइफ प्लान करती आई है। उसका जो बॉयफ्रेंड है ये उसकी मदर ने ही चूज किया है। टेसा इससे फ्रस्ट्रेटेड है, पर वो अपनी मदर की सब बातें मानती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टेसा जब कैफे में होती है तो उसे हार्डिन फिर से मिलता है। वो टेसा से कहता है कि मैं तुम्हारे रूममेट का फ्रेंड हूँ, हम कभी ना कभी तो मिलने वाले ही है, तो तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है। वो टेसा से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक प्लेस दिखाना चाहता हूँ। टेसा पहले मना कर देती है, पर फिर अपना माइंड चेंज करती है। हार्डिन फिर उसे एक जंगल में लेकर जाता है। यहाँ पर वो चलते जाते हैं और एक लेक के पास आ जाते हैं। टेसा को ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हार्डिन अपना शर्ट उतारता है और लेक में कूद जाता है। वो टेसा को भी बुलाता है। टेसा पहले मना करती है क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं है। हार्डिन कहता है कि तुम मेरा शर्ट पहन सकती हो। पानी में आकर टेसा हार्डिन से पूछती है कि तुम इस वर्ल्ड में किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। हार्डिन कहता है कि आंसर तो इजी है, मैं सबसे ज्यादा अपने आप से ही प्यार करता हूँ। हार्डिन टेसा से पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है। टेसा कहती है कि उसका नाम नोआ है, वो हाई स्कूल में है। हार्डिन पूछता है कि तुम्हें पाने के लिए उसने ऐसा क्या किया। टेसा कहती है कि वो बहुत ही नाइस है। हार्डिन कहता है कि नाइस का ही दूसरा मीनिंग बोरिंग है। हार्डिन फिर उसे कहता है कि सांस लो, और ये दोनों अंडर वाटर चले जाते हैं। ये ऊपर आते हैं तो हार्डिन कहता है कि क्या तुमने ये सुना, पूरा साइलेंस था, ये सबसे ज्यादा पीसफुल है। ये दोनों फिर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टेसा फिर कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। हार्डिन बोलता है कि हम कभी भी फ्रेंड्स नहीं रह सकते। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। ये पूल से बाहर आते हैं और हार्डिन टेसा को टच करने लग जाता है। कुछ ही सेकंड्स में उसे टच करना वो बंद कर देता है। टेसा उसे पूछती है कि तुम स्टॉप क्यों हो गए। हार्डिन कहता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, इस रिलेशनशिप को वो स्लोली प्रोग्रेस करना चाहता है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। टेसा उसे पूछती है कि तुम लव पर बिलीव क्यों नहीं करते। हार्डिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। टेसा कहती है कि तुमने तो उस क्लास में कहा था कि तुम लव पर बिलीव नहीं करते। हार्डिन फिर कहता है कि मेरी हर बात पर तुम बिलीव मत करना। हार्डिन के फ्रेंड्स फिर वहां आ जाते हैं। इसे जरा ऑकवर्ड महसूस होता है और वो टेसा को लेकर वहां से चला जाता है। टेसा भी ये नोटिस कर लेती है, उसे कन्फ्रंट करती है। हार्डिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। टेसा हार्डिन से कहती है कि अब मैं मेरे बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती हूँ, उस पर चीट करना गलत होगा। हार्डिन पलट जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं करने वाला, वो डेटिंग पर बिलीव नहीं करता। टेसा को बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। रात में फिर से उसे हार्डिन के सपने आते हैं। नेक्स्ट डे आता है तो टेसा का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है। टेसा इसे देखकर बहुत ही खुश होती है। आज रात जंगल में एक वाइल्ड फायर है जहाँ सब लोग पार्टी के लिए आते हैं। टेसा और उसके बॉयफ्रेंड भी वहां आता है। यहाँ पर सब लोग फिर एक गेम खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर हार्डिन भी आया है। एक लड़का टेसा से बदतमीजी करता है और वो पीछे नहीं हट रहा होता। हार्डिन को गुस्सा आता है, उस लड़के को बहुत मारता है। रात में हम देखते हैं कि टेसा का बॉयफ्रेंड आज रात उसके साथ ही रुकता है। बॉयफ्रेंड सो जाता है, तभी टेसा को उसके फ्रेंड लैंडन का मैसेज आता है। हमें पता है कि लैंडन और हार्डिन एक ही घर में रहते हैं। आज हार्डिन और उसके फादर का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। हार्डिन बहुत ही हर्ट है, इसलिए लैंडन टेसा को उसके पास बुलाता है। लैंडन टेसा को सब कुछ सिचुएशन बताता है। जब हार्डिन और उसके फादर की फाइट हुई थी तो टेसा का नाम भी आ चुका था। हार्डिन और टेसा के बीच में जो सब हुआ था इसी वजह से हार्डिन जरा अपसेट है। टेसा फिर हार्डिन के पास आती है। हार्डिन कहता है मेरे फादर फिर से शादी करने वाले हैं। ये उसे सही नहीं लगता। उसकी मदर लंदन में है और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब है, और फिर भी उसके फादर किस तरह से जी सकते हैं। आज हार्डिन ने बहुत सारी दारू भी पी होती है। हार्डिन गुस्से में दारू की बॉटल तोड़ देता है। टेसा उठाने लग जाती है तो इसके हाथ पे चोट आ जाती है। हार्डिन जल्दी से उठकर उस पर मलम पट्टी वगैरह करता है। वो टेसा को कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी सब किया इसके लिए मैं बहुत ही सॉरी हूँ। हार्डिन कहता है कि मैं गलत था, मुझे लगता था कि मुझे डेटिंग नहीं करनी चाहिए, पर वो अब टेसा से मिल चुका है तो उसे टेसा के साथ ही रहना है। हार्डिन फिर टेसा को अपने रूम में लेकर जाता है। ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, कडल करते हुए रात में सो जाते हैं। सुबह जब टेसा उठती है तो उसके बॉयफ्रेंड के उसे बहुत सारे कॉल आए हुए होते हैं। टेसा जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंचती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछता है कि अचानक से रात में तुम कहाँ चली गई थी। टेसा कहती है कि मेरे एक फ्रेंड को हेल्प की जरूरत थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछता है ऐसा कौन सा फ्रेंड था। इन दोनों में बात ही हो रही होती है तभी हार्डिन वहां जाता है। टेसा का बॉयफ्रेंड सब कुछ समझ गया है, वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है।
टेसा का ये बॉयफ्रेंड उसका बेस्ट फ्रेंड भी है। वो बचपन से लेकर आज तक एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं। उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। एक दो दिन वो किसी से भी बात नहीं करती। इसके बाद हम देखते हैं कि टेसा हार्डिन से मिलने के लिए आती है। ये दोनों रूफटॉप पर बात करते हैं। टेसा हार्डिन से कहती है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, पर तुम उससे बहुत ही ज्यादा हो। तुम मेरे लाइफ का एक बड़ा पार्ट बन चुके हो। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैंग आउट करने लग जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। एक दिन जब ये लाइब्रेरी में होते हैं तो लाइब्रेरी क्लोज होने के बाद भी यही वो छुप जाते हैं। हार्डिन टेसा को एक रोमांटिक बुक पढ़कर सुनाता है। इनकी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से चल रही होती है। एक दिन टेसा और हार्डिन टेसा के रूम में मेकआउट कर रहे होते हैं, तभी टेसा की मदर वहां आ जाती है। टेसा की मदर टेसा से बहुत नाराज है। उसे कहती है कि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यहाँ भेजा था, तुम ये सब क्या कर रही हो। टेसा कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। मदर उसे कहती है कि अभी के अभी तुम उसे ब्रेकअप कर लो। टेसा ये करने के लिए मना कर देती है। टेसा की मदर उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे पैसे वगैरह सब कुछ मैं बंद कर दूंगी, पर टेसा अभी भी ये मानने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट डे टेसा हार्डिन को एक जगह पर लेकर आता है। उसे कहता है कि मेरे फादर की फ्रेंड की ये जगह है। उसके फादर की फ्रेंड एक आर्टिस्ट है और वो अलग कंट्री में रह रही है। उसका एक घर है पर कभी वो इसे विजिट नहीं करती। हार्डिन टेसा को कहता है कि हम दोनों यहाँ रह सकते हैं। टेसा इसे लेकर सरप्राइज्ड होती है। हार्डिन कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मदर तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली, इसी वजह से ये मैं अब रेंट करने वाला हूँ। हार्डिन अच्छे से इस रिलेशनशिप के लिए कमिट कर रहा है तो टेसा भी बहुत ही खुश होती है। एज अ हैप्पी कपल एक दूसरे को रोमांटिक स्टोरीज पढ़कर सुनाते हैं। सनसेट देखते अलग अलग जगह पर जाते हैं। एक दिन एक्वेरियम में आए हुए होते हैं। हार्डिन टेसा से कहता है कि कभी कभी मैं बिलीव नहीं कर पाता कि तुम मेरी लाइफ में हो। वो टेसा से बहुत प्यार करने लग गया है। उसे कभी कभी लगता है कि टेसा को डिजर्व नहीं करता, पर टेसा उसे चुप करा देती है। उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि हार्डिन के फादर की मैरिज का आज दिन आता है। उसके फादर एक बड़ी पार्टी रखते हैं। हार्डिन बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस करता है पर उसे फिर भी वहां आना पड़ता है। उसे सपोर्ट देने के लिए टेसा भी उसके साथ आती है। टेसा हार्डिन के फादर से मिलती है। उसे वो बातें करने लग जाती है। हार्डिन के फादर टेसा से पूछते हैं किस सब्जेक्ट में तुम मास्टर्स कर रही हो। टेसा कहती है कि मैं इकोनॉमिक्स में कर रही हूँ, पर एक्चुअल में उसे लिटरेचर में इंटरेस्ट है। हार्डिन के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए तो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी पब्लिशिंग कंपनी है, यहाँ पर तुम काम कर सकती हो। टेसा को भी सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद ये सब डिनर टेबल पर बैठते हैं तो हार्डिन के फादर टोस्ट करते हैं। उसके फादर कहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी गलत चीजें थी, पर अब उनकी जो न्यू वाइफ है उनसे जब वो मिले तो सब कुछ सही हो गया। उन्हें जीने का एक नया रास्ता अब मिला है। हार्डिन के बारे में भी बहुत अच्छी चीजें उसके फादर कहते हैं। हार्डिन इस पर भी गुस्सा हो जाता है। वो टेसा से कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे फादर हमेशा से ड्रिंक करते थे, कभी भी अच्छे फादर वो नहीं थे। अब वो अचानक से कैसे बदल सकते हैं? उसके फादर ने बहुत सारे लोगों से पैसे भी लिए थे, इसी वजह से उसके मदर को भी एक बार मार खाना पड़ा था। अपने फादर को बहुत ही हेट करता है। फादर का टॉस खत्म हो जाने के बाद फादर हार्डिन से मिलने के लिए आते हैं। हार्डिन अपसेट है और उनसे झगड़ा ही करने वाला है, तभी टेसा उसे रोक लेती है। ये दोनों फिर डांस करते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो पहली बार आज रात वो इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि टेसा अपने कॉलेज में होती है, तभी उसे एक लड़की मिलने के लिए आती है जिसका नाम होता है मॉली। यह हार्डिन की ही एक फ्रेंड है। टेसा से पूछती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं दिख नहीं रहा। हार्डिन की फ्रेंड को हार्डिन और टेसा के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में पता नहीं है। टेसा कहती है कि मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। यहाँ मॉली को पता चलता है कि टेसा और हार्डिन डेट कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत ही ऑकवर्ड कन्वर्सेशन होती है। टेसा को यह बहुत ही अजीब लगता है। शाम में जब वो घर पर होती है तब हार्डिन के मोबाइल पर मैसेज आते हैं। मॉली ने हार्डिन को उससे मिलने के लिए बुलाया होता है। टेसा ये मैसेजेस देखती है और हार्डिन से कहती है कि वो तुम्हें क्यों बुला रही है। हार्डिन कहता है कि तुम इसे इग्नोर कर दो, मैंने उसे रिप्लाई भी नहीं किया है। इसके बाद हार्डिन घर से बाहर निकल जाता है। रात हो जाती है पर फिर भी वो घर पर नहीं आता। टेसा को ऑलरेडी शक है ही तो घर से बाहर निकलती है। हार्डिन का एक फ्रेंड उसे मिलता है। टेसा उसे पूछती है कि हार्डिन कहाँ है। वो फ्रेंड उसे हार्डिन की लोकेशन दे देता है। टेसा उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और वहाँ सब हार्डिन के फ्रेंड्स वगैरह है। के पास वो बैठती है। वो टेसा से पूछते है कि तुम अपने हॉस्टल के रूम में नहीं रह रही, तुम कहाँ रह रही हो। टेसा कहती है कि मैं और हार्डिन रिलेशनशिप में एक अलग जगह पर रह रहे हैं। ये सुनकर मॉली को बहुत ही हर्ट महसूस होता है, क्योंकि वो हमेशा से हार्डिन को पसंद करती थी। ये टेसा को कहती है तुम्हें सब कुछ चीजें पता नहीं है, तभी हार्डिन वहां जाता है। हार्डिन को अब जानना है कि मॉली क्या कहना चाहती थी। हार्डिन टेसा को बाहर लेकर जाना चाहता है पर टेसा यही रुकती है। मॉली हार्डिन से कहती है कि अब ये ज्यादा आगे चला जा चुका है। मॉली फिर टेसा को सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि जिस रात हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे
तुम वहां से चली गई थी, तब हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। वो टेसा को एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन कह रहा होता है कि वो टेसा को अपने पैर में गिरा सकता है। टेसा को यह देखकर बहुत ही हर्ट महसूस होता है। टेसा के फ्रेंड्स भी यहाँ है। वो सबसे कहती है कि तुम सबको पता था और फिर भी तुमने कुछ भी नहीं कहा। हार्डिन उसके पीछे भी जाता है पर टेसा उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। हार्डिन उसे समझाता है कि मैंने तुम्हें जानने से पहले ये बेट लगाई थी। हार्डिन उसे बताना चाहता है कि उसे बहुत प्यार करता है पर टेसा वहां से चली जाती है। टेसा हर्ट होकर फिर से अपने घर आ जाती है। अपनी मदर से सॉरी कहती है। टेसा की मदर हमेशा उसे जो चाहिए था वही टेसा से करवाती आ रही है। टेसा की मदर को भी बुरा लगता है और वो भी टेसा को सॉरी कहती है। इसके बाद टेसा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है। टेसा उससे कहती है कि कभी भी तुम हर्ट हो जाओ ऐसा मैं नहीं चाहती थी। टेसा का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे पता है कि तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं कर सकती। उसने टेसा को माफ कर दिया है। वो कहता है कि हम बड़े होते हैं, अपने आप को डिस्कवर करते हैं, इसमें कुछ बुरी चीज नहीं है। ये दोनों फिर से एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। टेसा को भी पब्लिशिंग में कुछ करना है तो हार्डिन के फादर ने जो पब्लिशिंग कंपनी कही थी वहां पर वो अप्लाई करती है। यहाँ पर वो सिलेक्ट भी हो जाती है। टेसा फिर से अपने कॉलेज में आती है। उसका ईयर अब एंड हो रहा है। ईयर के एंडिंग में उनके लिटरेचर क्लास में उन सबको एसेज लिखने होते हैं। इसमें एक बड़ा सा लेटर हार्डिन ने टेसा के लिए लिखा होता है जो अपने टीचर को सबमिट कर देता है। टीचर ये पढ़ती है और टेसा को दे देती है। हार्डिन टेसा को जिस जगह पर पहली बार लेकर आया था लेक के पास वहां जाकर ये लेटर पढ़ने लग जाती है। इसमें हार्डिन लिखता है कि मैंने बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़े हैं। इसमें हमेशा से लिखा था कि प्यार के बिना लाइफ बहुत ही अधूरी है। हमारे अंदर जो भी डैमेज है ये प्यार से सही हो सकता है। मुझे हमेशा से लगता था कि ये सब गलत है। कभी भी मैंने इस पर बिलीव नहीं किया पर जब मैं तुमसे मिला तब से मेरी सब कुछ थिंकिंग चेंज हो गई। मैं अंधेरे में था, तूने मेरा हाथ पकड़ा और उजाले में मुझे लेकर गए। मैं क्या था ये कभी भी मुझे पता नहीं था। तुमने मुझसे पूछा था कि सबसे ज्यादा मैं किससे प्यार कर सकता हूँ। अब उसका आंसर मेरे पास है। वो टेसा से अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता है। वो टेसा से माफी मांगता है। टेसा यह पढ़ती है और हार्डिन इसके पास आता है। टेसा अब उसे माफ कर देती है। यही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।